और लगातार सेल्फ इवैल्यूएशन। हर रात मैं अपने आप को इवैल्यूएट करता हूँ, हर रात अपने आप को इवैल्यूएट करता हूँ कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने सही क्या किया, आज मैंने गलत क्या किया। और ये सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए मैं, जैसे थोड़ी देर पहले बताया, मैं कई बुक्स लिखता हूँ। एक बुक का नाम है द 21 डे हैबिट एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। रोज अपना कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ये किताब लिखता हूँ, जिसमें अगर आप देखेंगे ये 12 मार्च का है तो आज मैंने क्या अचीवमेंट किया, ऐसा होता है, ये बुक ऐसा दिखता है और बाहर आपको मिल सकता है मेजर अचीवमेंट। आज आपका मेजर अचीवमेंट क्या है? आज मैंने 15 जन को जुड़ाया। क्यों? ये एक मेजर अचीवमेंट है, क्योंकि अभी मेरा टीम 4015 का हो गया। कल क्या करूंगा मैं? कल मैं 20 और को जुड़ाऊंगा। इसी के लिए मैं क्या एक्शन लूंगा? आज रात को मैं 40 जन को फोन करूंगा। कल मैंने जिम गया, कल मैं जिम गया, 20 मिनट मैंने एक्सरसाइज किया। क्यों? वो एक अचीवमेंट है, इससे मेरा एनर्जी बढ़ेगा। कल क्या करोगे? मैं इसको आधा घंटा बढ़ाऊंगा। उसके लिए स्पेसिफिक एक्शन क्या करूं? मैं जिम में एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करूंगा। इस तरह से लाइफ में एक एक अचीवमेंट को मैं लिखता हूं। 5 अचीवमेंट लिखता हूं रोज रात को, 5। आज मैंने 5 अच्छी क्या अचीवमेंट की। क्यों वो एक अचीवमेंट है? उसी क्षेत्र में मैं कल क्या करूंगा और उसके लिए क्या कदम लूंगा। रोज मैं जब लिखता हूं 5, फिर कल 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे 21 दिन में 105 बार जब लिखता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस प्रोटेक्ट हो जाता है। नेगेटिव चीजें नहीं लिखता हूं मैं, पॉजिटिव चीजें लिखता हूं कि आज मैं किसी पे गाली नहीं दिया, आज मैंने दारू नहीं पिया, आज मैंने 2 घंटा पढ़ाई किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने इतने आदमी लोगों को जुड़ाया, आज मैंने BOP के लिए इतने जन को फोन किया, आज मैंने बढ़िया BOP लिया, ये किया, इसमें से इतना जन को किया। ये रोज मेरा अचीवमेंट का ये मैं लिखता हूँ। और ये सब लिखने के बाद मेरा दूसरा बुक का नाम है द सेल्फ लर्निंग एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। आज मैंने जिंदगी से सीखा क्या? जैसे कल 27 मार्च था, कल 27 मार्च को मैंने मेरे कलीग को एक लेटर लिखा। उस लेटर की वजह से अभी यहां पर ऐसा होता है, ये ऐसा मतलब राइट डाउन द सीन दैट अकर्ड इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल। आपके लाइफ में जो घटना हुई वो आप लिखिए। घटना अच्छी भी हो सकती है, घटना बुरी भी हो सकती है, तो आप लिखिए। आज मैंने अपने अपलाइन को टोपी लगाया, झूठ बोला कि मैं बीमार हूं, टोपी लगाया कि मेरे घर में फंक्शन है, जबकि मेरे घर में फंक्शन नहीं था। तो आज एक सीन हुआ, सीन लिखा, तो फिर लिखना पड़ता है कि क्या वो सीन पॉजिटिव था, क्या वो सीन नेगेटिव था। अगर पॉजिटिव है तो वो लिखिए कि सीन पॉजिटिव है, और आपने अगर अपने अपलाइन को टोपी लगाया तो नेगेटिव है लिखिए कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि झूठ बोलने से मेरा कैरेक्टर खराब हो जाता है, मेरे को झूठ बोलने की आदत लग जाएगी। क्योंकि नायर साहब बोलते हैं, आप आज जो भी है आपकी आदत की वजह से है, और अगर मैंने जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डाली सच बोलने की तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी झूठ बोलने की। तो मैं आज के बाद क्या करूँगा, ऐसा आपको, मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूंगा वो लिखना है, और उसके लिए एक्शन प्लान लिखना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक एक जो गलत चीज़ें हो रहा है ना आपके लाइफ में, उससे आप लेसन नहीं सीखेंगे। तो मैं रोज, कल 27 मार्च को देखिए, मैंने 27 मार्च या 26 मार्च 27 मार्च को मैंने कल 2 लेसन सीखा लाइफ से। 26 मार्च से मैंने 1 लेसन सीखा, 25 मार्च से मैंने 1 लेसन सीखा। हर दिन रात को लिखता हूं लाइफ ने मेरे को आज क्या पढ़ाया। बड़ा सिंपल है, बाहर आपको ये बुक मिलेगा। और एक बुक लिखता हूं जिसका नाम है द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज मैं कृतज्ञ, किन किन लोगों पे कृतज्ञ हूं, तो ये देखिए, 27 मार्च को मैं कृतज्ञ हूं हिमांशु और सचिन का कि उन्होंने मेरे साथ बैठ के नया प्रोडक्ट स्मार्ट के लिए बनाया और
ओरिएंटेशन गुरुकुल। मैं कृतज्ञ हूँ मिलाप का, जो अपने फील्ड के लड़के लोगों को आज डेवलपमेंट कर रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ यतीन सामंत साहब का, जिन्होंने कल मेरे को बहुत, मेरे में कमियाँ जो है एज ए चेयरमैन ऑफ स्मार्ट में, मेरे में जो कमियाँ हो चेयरमैन का, वो कमियों को बताया। अब मैं उनको अपना कृतज्ञता कैसे एक्सप्रेस करूँगा, आई विल बाई हिम अ गिफ्ट, अ वॉच, एक वॉच खरीद के दूंगा, और उसके लिए एक्शन क्या लूँगा, सिंधु को बोलना कल एक घड़ी खरीद ले, तो 31 तारीख को दे दूंगा। यार अपने को सुधारा हो, अपना कंपनी का सीईओ मेरे को रिपोर्ट करता हो, और मेरा सीईओ है, उसने मेरे को इंप्रूव किया, तो मैं कृतज्ञ हूं। तो अगर आप देखिए, अगर रोज रात को हमें अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए। मैं अपने आप को इवैल्यूएट कर रहा हूं, सेल्फ इवैल्यूएट कर रहा हूं, इवैल्यूएशन कर रहा हूं, और मैं रोज रात को अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं, करेक्ट। क्योंकि अगर मैं करेक्ट नहीं करूंगा तो मंडे की गलतियां मैं ट्यूसडे को करूंगा, और ट्यूसडे की गलतियां मैं वेनेसडे को करूंगा, और वेनेसडे की गलतियां मैं थर्सडे को करूंगा, और पूरे हफ्ते में जो गलती किया वही हफ्ता अगला हफ्ते में पूरा सेम गलती करूंगा। यस और नो? सेम गलती करूंगा, क्योंकि हर रात सोने के पहले मैं अपने आप को करेक्ट नहीं कर रहा हूं। अगर आप 10 जन के पास गए और आपको सेल नहीं मिला, तो आप पूछिए आज रात को, आपको लिखना है कि मैं 10 जन के पास, आपका सीन क्या है, आपका सीन ये है कि आप 10 जन के पास गए लेकिन आपको सेल नहीं मिला। सीन क्या है? 10 जन के पास गया, कोई भी जुड़ा नहीं मेरे साथ, तो थिंग्स एट वर्क, क्या चला? चला ये कि उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया। क्या नहीं चला? चला ये नहीं कि उन्होंने जुड़ा नहीं, वो जुड़े नहीं मेरे साथ। तो फिर मैं क्या करूंगा अपने आप को सुधारने के लिए, क्या करूंगा? अरे मैंने उनको क्लोजिंग ही नहीं किया, मैंने उनसे चेक मांगा ही नहीं, मैंने उनको जुड़ने के लिए फॉर्म भराया नहीं, मैं कतराया, मैं घबराया, मैं बोल नहीं पाया, ये सब मैं लिखता हूं। फिर मैं नीचे लिखता हूं, कल जाते ही जिसके भी सामने पेश करूंगा उनके सामने बिना कतराए मेरे एक्शन प्लान में लिखूंगा। आप देखेंगे कि मंडे को घबराया हुआ संतोष नायर ट्यूसडे को बिंदास होके चेक मांगता है, मंडे को 10 जन के पास गए खाली हाथ आया, ट्यूसडे को 10 जन के पास गया 3 चेक लेके आया। नायर कल का सेम नहीं रहा, नायर कल का सेम नहीं रहा। पिछले कई सालों से लिखता हूं, और फिर मैं कहता हूं कि मैं तो मकाम पे लाइफ में इतना कुछ अचीवमेंट किया, तो मुझे तो लिखने की जरूरत है क्या? है। लोग बोलेंगे सक्सेसफुल होने के बाद लिखने की जरूरत है क्या? नायर साहब, सक्सेसफुल होने के लिए लिखा था, और सक्सेसफुल रहने के लिए कंटिन्यू करूंगा। आप एक्सरसाइज करते थे 30 बरस की उम्र तक, फिर आपने एक्सरसाइज बंद किया तो आपका वजन तो बढ़ने वाला ही है, तो वो बोल के तो फायदा नहीं ना। मैं एक जमाने में हेल्दी था, एक जमाने में मेरे को डायबिटीज नहीं था, एक जमाने में मेरे पास मेरा वजन मस्त था, एक जमाने में कच्ची कली हूं, अभी एकदम फोदा पाव हो गया, एक जमाने में मैं खूबसूरत दिखती थी, एक जमाने में मेरा पेट नहीं था, आजकल इसको ऐसा करता हूं, फिर साबुन लगाता हूं, फिर इसको लेके आता हूं, ऐसा मेरा पेट हो गया। एक जमाने में मैं तंदुरुस्त था, एक जमाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं था, एक जमाने में एसिडिटी। आप हेल्थ को चेक कीजिए, आप अपने खूबसूरती को हेल्थ चेक कीजिए, आप खूबसूरत है क्या, आपका वजन बढ़ रहा है क्या, आपका नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं, आपका एंथुजियाज्म बढ़ रहा है कि नहीं, आपका काम करने की शक्ति बढ़ रही है कि नहीं, आपका जुनून बढ़ रहा है कि नहीं, आप प्रोग्रेसिवली अच्छी अच्छी चैलेंजेस ले रहे हैं कि नहीं। किसी रात में लिखता हूं आजकल चैलेंज नहीं लेता हूं, फिर अगले दिन से चैलेंज लेने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश सुधारनी है तो बुक लिखो, अगर आपको कुछ भी करनी है तो आप बुक लिखो, नहीं तो आपके पास अपना कोई तरीका होना चाहिए सुधारने का, वो आपका अपना एक टेक्निक है। मेरा वाला ये टेक्निक है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि तुम ये करो, लेकिन बाहर बुक मिलेगा। जो मैंने कल वो आइटम को मेरे ऑफिस में समझाया था 21 डे का, और वो बोलता मैं नोटबुक में लिखूंगा। अरे नोटबुक में तू बैठ के वो कॉलम डालेगा, वो जान नहीं आएगी, वो जान नहीं आएगी, वो नोटबुक
सुंदरम का नोटबुक है, वो नोटबुक है, वो सुधारने का कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर का वर्कबुक नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन बुक नहीं है। बुक के बाहर हमने लिखा है, बुक के बाहर हमने लिखा है ये ट्रांसफॉर्मेशन बुक है, ये मेरे को ट्रांसफॉर्म करेगी, ये मेरे को बढ़िया बनाएगी। वो 200 पेज का नोटबुक मेरे को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि वो बुक का मकसद वो नहीं है जो ये बुक का मकसद है। अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट 45 मिनट ट्रैफिक में जाना पड़ेगा। फिर एक तो जाओ अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट, फिर वो रहता होगा वसई विरार में, फिर वहाँ से वापस स्टेशन आओ। तो वो जो दर्द है ना, दर्द, वो दर्द लेना नहीं चाहता था। और जो आदमी दर्द नहीं ले सकता, तकलीफ नहीं ले सकता, वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो फिजिकल दर्द, मेंटल दर्द, इमोशनल दर्द लेने पड़ेंगे। ये जब तक नहीं करोगे तब तक आप जीरो से हीरो। ये जलने का बात है, अपने आप को जला रहा हूं। अगर वो ट्रैवल कर लेता तो मतलब वो अपने आप को जला रहा था, वो अपने आप को तैयार कर रहा था, वो जलने वाला था कल। लेकिन उसने क्या किया, बोले कौन जलाएगा, ठंडा होके बैठा। अब वो मैं अगर वापिस एक घंटे में नहीं आता था, फिर मैं उसको बोला अच्छा अब तू ईस्ट में मत जा, मेरा घर इधर बाजू में है, मेरे पास कॉपी है, तो कल मेरे से ले लेना। लेकिन वो नहीं आया मेरे घर में जो बाजू में था 2 मिनट, ना ही उसने आदमी को भेज के मंगाया। और मैंने परसों के दिन जब उसको पूछा कि भाई तेरे को लाइफ में क्या करना है, बड़े ताव से लिखा, मेरे को अंग्रेजी सीखना है, करना हो करना। टोपी लगा रहा हो, 37 का हो गया, चूना लगा रहा है मेरे को, मेरी ही कंपनी का आदमी चूना लगा रहा हो। और अगर मेरे होते हुए वो ये कर सकता है, मेरे जैसा कर आइटम के सामने ऐसा टोपी लगा सकता है, फिर दुनिया में कौन उसको सुधार सकता है। और लिखता है नीचे कि मेरे को एसयूवी चाहिए, मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए। उसका मैंने परसों के दिन सपना की पूछा, तब मैंने उसको कल दोपहर शाम को ये बताया करना क्या है। लेकिन सपने सबके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसके लिए जो कीमत अदा करनी है, जिग जिगलर से आप बोलते हैं हमेशा, यू गॉट टू पे द प्राइस, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी सक्सेस के लिए। यू गॉट टू पे द प्राइस, एक कीमत चुकानी पड़ती है हर चीज के लिए। तो मैं अपनी कंपनी का पिछले 48 घंटे का कहानी तुम्हें बता रहा हूं। मेरा ही लड़का जिसको मैं रास्ता बता रहा हूं, और जो बता रहा है वो दिन में 7 लाख कमा रहा है, और जो सुन रहा है उसने 7 लाख साल का कभी साथ में देखा नहीं, उसको मैं रास्ता दिखा रहा हूं। लेकिन गरीब लोगों की प्रॉब्लम है ये कि उन्हें अमीरों की बात समझ में नहीं आती। एक जमाने में मैं भी उसके माफक जीरो ही था। अब कोई रास्ता बता रहा है तो देख लो और जान लो। जैसे आज मैं तुमको बोलता हूं कि ये सब चीजें मैं कर रहा हूं, ये सब चीजें मैं कर रहा हूं। So, कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, आप भी बाहर, आपको बहुत सारे सीढ़ी मिलेंगे, आत्मविश्वास बोल के सीढ़ी, ये सब MLM की सीढ़ी है। चैलेंजेस आर टेम्पररी बट सक्सेस इज परमानेंट। चैलेंज तो टेम्पररी होता है लेकिन सक्सेस तो परमानेंट होता है। और बहुत सारे सीढ़ी है, एक नेटवर्कर की मौत बोल के ये मैंने सीढ़ी पूना में किया था, ड्रीम बिग टू सेल बिग, ये सीढ़ी अगर आप देखेंगे, हार्ट ऑफ ए चैंपियन, जीत की जंग, ये सब MLM की सीढ़ियां हैं। इसमें कई अच्छी अच्छी बातें, जीतो हर हाल में हर काल में, द पावर ऑफ पर्पस, ऐसा करते करते कितने सारे MLM का विजेता, MLM का मैजिक, ऐसे एक एक सीढ़ी में। ये कौन से कंपनी के लिए किया गया, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। 5 का दम, सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ मल्टीप्लीकेशन, जीरो टू हीरो, ऐसे कितने सारे। और हर सीढ़ी में कुछ ना कुछ नया, अलग, डिफरेंट, नया, अलग कुछ पेश किया है। उन सब चीजों को तुम्हें स्वीकारना है और तुम्हें आगे बढ़ना है। जैसे आज का ये सीढ़ी रिकॉर्डिंग हो रहा है,
आज का ये सीडी रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाहर 600 रुपया दे के बुक कर लो और तुम्हें 15 दिन में वो सीडी मिल जाएगा। बार बार बैठ के नायर का ये सीडी को देखो, उसकी एक एक बातों को समझो, 100, 150, 300 बार ये सीडी देखो, उसकी अंदर की गहराई को समझने की कोशिश करो। मारने दो संतोष नायर को, तुम्हारे को हर दिन 1-1.5 घंटा उस सीडी के थ्रू करने दो, वो तुम्हारा तुम्हारे को तोड़ने दो। तुम्हें वो तुम्हें काट रहा है, कट कर रहा है तुम्हें वो। तुम वो मूर्ति हो, तुम वो पत्थर हो, तुम वो डायमंड, रॉ डायमंड हो। तुम्हें वो मार रहा है सीढ़ी के थ्रू, तुम्हें वो करने के लिए मजबूर कर रहा है, तुम्हें चिंगारी दे रहा है, तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा है, तुम्हारे अंदर जुनून बढ़ रहा है, तुम्हें बता रहा है कि तुम में कमी क्या है, तुम्हें उकसा रहा है, तुम्हें अपनी अमीरी का वास्ता दे रहा है, तुम्हें अपने बच्चे याद दिला रहा है, तुमसे कुछ न कुछ करवा रहा है। उसकी बातों को सुनो और उसकी बातों को करो। या तो फिर आज रात को बोल दे जाके अपने बीवी को और बच्चे लोग को, मैं गरीब था, मैं गरीब हूं और तू गरीब रहेगी। बोल दो अपने बीवी बच्चे को, बोल दो अपने माँ बाप को कि तुम्हारा बेटा नालायक है, कि सेमी डायरेक्ट में मौका मिलने के बावजूद भी, इतना बढ़िया कंपनी में मौका मिलने के बावजूद भी, माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहता हूं आप लोगों को कि सक्सेसफुल लोगों ने वो आदत क्यों डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों ने वो आदत क्यों डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। व्हाई डू सक्सेसफुल पीपल डेवलप दोज हैबिट्स दैट दे डिसलाइक देमसेल्व्स? क्यों अमिताभ वो करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता? क्यों विश्वनाथन आनंद, जो चेस का सरताज माना जाता है, वो करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता? क्यों संतोष नायर वो करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता और कई सालों से वो कर रहा, अब तो आदत हो गई, अब तो 5:15 बजे उठने की आदत हो गई, बुक पढ़ने की, अभी तो कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि बॉडी को आदत हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम में बॉडी को आदत लग जाती है कोई भी आदत की, अच्छा या बुरा। लेकिन फिर भी सक्सेसफुल लोग वो सब क्यों करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता? इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। बिकॉज बाई डूइंग द थिंग्स दे डोंट लाइक टू डू, दे कैन अकम्प्लिश द थिंग्स दे वॉन्ट टू अकम्प्लिश। मतलब अगर आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको डायमंड बनना है, आपको चेयरमैन बनना है, आपको वो चाल से 2-बेडरूम हॉल किचन में जाना है, आपको अपनी बेटी को सेंट बायोसिस इंस्टीट्यूट में भेजना है पूना में फैशन डिजाइनिंग के लिए, जहाँ पर 7-7.5 लाख साल का कोर्स का फीस है। आपको 22 लाख रुपया चाहिए 3 साल का, 4 साल का, या 30 लाख रुपया चाहिए आपका बेटी को फैशन डिजाइनिंग करने के लिए, तो वो आपको चाहिए, तो आप वो कीजिए सैमी में जो आपको अच्छा नहीं लगता। सैमी जरिया है तुम्हारी बेटी का फैशन डिजाइनिंग के लिए, सैमी जरिया है तुम्हारा 2-रूम किचन से 4-बेडरूम हॉल किचन जाने का, सैमी जरिया है वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे को छोड़ के एक बढ़िया सा ऑक्टाविया स्कॉडा लेने का, सैमी जरिया है तुम्हारे फादर के उधारों को चुकाने का, तुम्हारा काम तुम्हारा जरिया है। और तुम लोग उस टाइप के काम में हो जहां पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनकम होता है। तुम कोई अकाउंटेंट का काम नहीं कर रहे हो कि ये साल तुम्हारा पगार 20,000 रुपया, अगले साल वो 24,000 रुपया हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा आज के तारीख में अगर तुम अकाउंटेंट हो और अगर तुम फुल टाइम सेमी में काम करते हो, तो तुम्हारा 2.5 लाख रुपया हफ्ते का आ सकता है, या 2 लाख रुपया आ सकता है, या 3 लाख आ सकता है, या जो भी है डिपेंडिंग अपॉन द आईडिया, जो भी तुम्हारा टेक्निक है, उससे तुम उस तरह का रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन और जनरेशन कर सकते हो। सेमी जरिया है, इसकी इज्जत करो, इसकी सलामी करो, इसकी उल्लंघन नहीं करो, यही मैं बोलता हूं। मेन फॉर्म हैबिट्स एंड हैबिट्स फॉर्म फ्यूचर। आदमी आदतें डालता है और आदतें उसकी फ्यूचर बनाता है। संतोष नायर आदतें डालता है और उसकी आदतें उसकी फ्यूचर बनाती है। एंड देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली डोंट फॉर्म गुड हैबिट्स, then unconsciously, unknowingly, you will form bad ones. का मतलब है,
अगर जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के सुबह उठने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में 9 बजे तक सोने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रीडिंग की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में न रीडिंग की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के टाइम पे पहुंचने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में लेट आने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज बढ़िया कपड़े पहनने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में एकदम गरीब टाइप के कपड़े पहनने की आदत लग जाएंगे। अगर जानबूझ के अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, ट्रेनिंग नहीं करोगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो अनजाने में इसको डेवलप न करने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज रात को सोने के पहले वो किताबें नहीं लिखोगे तो अनजाने में मंडे किया हुआ गलती, अगला मंडे और जिंदगी भर का मंडे में तुम वो सेम गलतियां रिपीट करते रहो। जानबूझ के तुम्हें अच्छी आदत डालना है क्योंकि अदरवाइज अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के सुबह उठ के जॉगिंग नहीं करूंगा तो अनजाने में मेरा वजन बढ़ जाएगा। अगर जानबूझ के 50 की उम्र में जवान नहीं दिखूंगा तो अनजाने में 50 में एकदम बूढ़ा लगेगा, क्योंकि मेरा ये वादा था अपने आप से जिंदगी भर जवान रहूंगा और 120 तक जीने का है अपने को, 70 साल बाकी है, कच्ची कली रहना है। तो तुम्हारे जितने भी प्रोडक्ट्स है भिजवा दो तो मेरे को, जरा मैं खा पी के जरा सेटिंग हो जाते हैं मेरा। सो लिवर विवर अपना ठीक ठाक रहे अपन, बाकी सब चीजें अपने को कैंसर विंसर लगे नहीं, इसके लिए तुम्हारे सेमी के प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, फिर फेस वॉश भी लगा देंगे, मॉइस्चराइज भी लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे। एंड वो सब चीजें अपने को करना है और वो सभी चीजें हैं जो अपने को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। You have to keep track of everything. तो मैं हमेशा पूछता हूं कि लोगों को MLM में या नेटवर्क मार्केटिंग में वो कौन सी एक बात है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो ना सुबह उठते हैं, जिसकी वजह से वो झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से वो फील्ड में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से वो लिस्ट नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से वो फोन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो BOP में आदमी को लाते नहीं है, वो कौन सी नापसंदी है जिसकी वजह से वो ये सब नहीं करता। तो बहुत स्टडी करने के बाद मुझे एक ही चीज नजर आया, हम सबको एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नापसंदी के वजह से ही हम वो नहीं करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो वो कौन सी एक बात है जो आपको और हमको और हर MLM का आदमी या नेटवर्कर को अच्छा नहीं लगता? वी डोंट लाइक समथिंग, हमें कुछ चीज पसंद नहीं है। वो एक कौन सी चीज है जो हम नापसंद करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, TV देखते रहते हैं, मार्केट में नहीं जाते, क्योंकि हमें एक चीज पसंद नहीं है। और वो एक चीज जो हमें पसंद नहीं है वो ये, वी डोंट लाइक टू कॉल ऑन पीपल हु डोंट वॉन्ट टू सी अस एंड टॉक टू देम अबाउट समथिंग दे डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट। देखो माई डियर फ्रेंड्स, तुम्हें जिंदगी भर उस आदमी को मिलना है जो तुझसे मिलना नहीं चाहता, और तुझे वो बात करनी है जो वो तुझसे करना नहीं चाहता। तुझे जिंदगी भर किससे मिलना है? उस आदमी से जो तुझसे मिलना नहीं चाहता, और तुझे उससे क्या बात करनी है? वो जो तुझसे करना नहीं चाहता। मुझे जिंदगी भर एज एम MLM मैन या MLM वुमेन, MLM की लड़की या MLM का आदमी होने के नाते, मुझे जिंदगी भर रोज उस आदमी को मिलना है जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, और मुझे उससे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना नहीं चाहता। समझो, मेरे बाजू में एक टीचर रहती है और मैं चाहता हूं कि टीचर को मैं अंदर करूं, मतलब अंदर बोले तो सेमी में अंदर करूं। वो टीचर मुझसे मिलना नहीं चाहती और वो मुझसे वो सुनना नहीं चाहती और वो मेरे को वो बोलने नहीं देगी जो सेमी के बारे में। लेकिन जिंदगी भर मेरा काम एक ही है, ऐसे हर वो टीचर जो मुझसे मिलना नहीं चाहती है
उसके पास जाना है और उससे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना नहीं चाहती है, जो कि सैमी। मैं जिंदगी भर उन्हीं से मिलूंगा जो मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, और मैं उनसे वो बात करूंगा जो वो मुझसे करना नहीं चाहते। हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है ना, वो मिलना चाहते जो हमसे मिलना चाहते और उससे वो बात करनी चाहते जो वो हमसे सुनना चाहते। ऐसा आइटम तुमको मिलने वाला ही नहीं है। जिंदगी में तुम्हें वही लोग मिलेंगे जो तुम्हें नहीं मिलना चाहते। मेरे को बताओ सोले साहब, आप जब भी किसी को मिलने जाते हैं एमएलएम में, आपको कोई आदमी ऐसा नहीं बोलेगा जैसे आप गए ना बोले मैं सैमी से आया हूं, एमएलएम सैमी से आया हूं, ऐसे तो वो ये कभी नहीं बोलेगा, सोले तू कहां था, इतने साल से कहां छुपा हुआ था, मेरी आंखें तेरे को देखने के लिए तरस गई थी, मुझे एमएलएम ज्वाइन करना है, कई सालों से मैं एमएलएम ज्वाइन करना चाहता था, मुझे डायमंड बनना है, मुझे ये टीचर का काम छोड़ना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना, सोले तू कहां था, ऐसा तेरे को एक भी आदमी मिलेगा क्या? मिलेगा यस और नो? तुम्हें लाइफ में ऐसा एक भी कुत्ता नहीं मिलेगा। तुम्हें जिंदगी भर सोले वही मिलेगा जो तेरे साथ सोना ही नहीं चाहता। भले तेरा नाम सोले 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 है, लेकिन तेरे साथ कोई सोना नहीं चाहता है। तुझे जिंदगी भर उसी से मिलना पड़ेगा जो तेरे साथ सोना नहीं चाहता है, और उसे रोज तेरे को सुलाना पड़ेगा। कोई तेरे साथ सोना नहीं चाहता। तेरे साथ किसी को सोने का नहीं है, लेकिन तेरे को वो पकड़ने का है उसको, और उसको सुलाने का है। सुलाने के बाद जब उसका चेयरमैन डायमंड पैदा होगा तब उसको विश्वास आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जब दरवाजा नॉक करता था, जब आज से 30 साल पहले जब दरवाजा नॉक करता था, मुझसे कोई मिलना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं मिलना चाहता था। मुझसे कोई मिलना चाहता ही नहीं था, और मुझसे वो वैक्यूम क्लीनर की बात कोई करना नहीं चाहता था, लेकिन जिंदगी भर मैं उन लोगों को मिला जो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, और मैंने उनसे वो सब बातें की जो वो मुझसे नहीं करना चाहते थे, और तब जाके उनमें से 100 में से 10-10 आदमी ने मेरे को चेक दिया, और उस चेक का नतीजा है वो बाहर खड़ा हुआ 1 करोड़ का मर्सिडीज। तो कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, तुम्हें एक चीज समझ लेना पड़ेगा। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम फोन करें तो बोलना चाहिए आ जा, कितने साल से मैं तेरी इंतजार कर रहा था। ऐसा एक भी आइटम अवेलेबल नहीं है। तुम्हें वो ही मिलेगा जो तुझसे मिलना नहीं चाहता, और तुझे उससे मिलके वो बात करनी है तेरे से करना नहीं चाहता। एंड ये नापसंदी की वजह से लोग लिस्ट ही नहीं बनाते। तुम्हारा अपलाइन बोलता है लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, यू नो अपना नेचुरल लिस्ट बनाओ, लोगों का लिस्ट बनाओ। लेकिन अपलाइन ही आज तक नहीं समझ पाया कि डाउनलाइन ये बनाता क्यों नहीं, क्योंकि डाउनलाइन क्या बोलता है लिस्ट बनाने का, किसका मिलना नहीं चाहता और उससे क्या बात करने का जो वो मुझसे करना नहीं चाहता। सर माली वेट लगला का माला मैं लिस्ट बनाऊं, लिस्ट बना के भी वो मेरे को मिलना तो नहीं चाहता ना, तो मैं काहे को लिस्ट बनाऊं? व्हाई शुड आई मेक द लिस्ट? क्योंकि लिस्ट कितना भी बने तो वो सब वही है जो मुझसे, और मुझे उससे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना। और ये बात सक्सेसफुल लोग समझ चुके हैं। मेरे ऐसे आइटम 30 साल पहले समझ गए कि जिंदगी में उसी को मिलना है जो मुझसे मिलना नहीं चाहता है, उससे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना नहीं चाहता। और इसके लिए अपने पास 2 चीजें, एक तो बेशर्मी का डिग्री, हरामीपन का PhD। तो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं तो मिलना चाहता हूं। टीचर मेरे से मिलना नहीं चाहते, टीचर मैं अगर दरवाजा नॉक करूं तो टीचर बाथरूम में, मतलब टीचर रूम में छुप जाती है, मैं रूम में नॉक करूं तो टीचर बाथरूम में छुप जाती है, मैं बाथरूम में नॉक करूं टीचर पाइप से नीचे उतरती है।
मतलब बाथरूम के खिड़की खोल के वो कांच तोड़ के पाइप से नीचे उतरती है, और जब वो नीचे उतर रही है मैं नीचे खड़ा हूं, आओ टीचर। तो फिर टीचर बोलती है सोडनार नहीं, नहीं मतलब जुड़ने के बाद ही छोड़ेगा। बोले हाँ, किती ध्यायच, 6500। चला या, फिर वो देती है। जब वो समझ जाती है कि किसी भी तरह से ये पाइप में से भी उतरने के बाद भी मेरे को छोड़ने वाला नहीं है, तब 6500 या 11000 रुपया वो देगी और वो जुड़ेगी। जुड़ने के बाद उसको अपन सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, सीढ़ी दिखाएंगे उसको, अपन अच्छा अच्छा तरीके दिखाएंगे, सेलिंग सिखाएंगे। उसके बाद टीचर जो 30000 रुपया कमाती थी महीने का 3 लाख कमाएगी, तब जाके टीचर को हमेशा ऐसा लगेगा वो तुम अच्छा हो गया मेरे को पाइप में पकड़ा। लेकिन टीचर जब तक 3 लाख नहीं कमाएगी तब तक टीचर ने को आंख में चोली खेलेगी। हम जानते हैं हम टीचर का लाइफ बना के छोड़ेंगे, टीचर खुद नहीं बनाना चाहती अपना लाइफ, टीचर को विश्वास ही नहीं है, क्योंकि 19 साल से बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो टीचर इतना छोटा कमा चुकी है कि अपना विश्वास ही गवा चुकी है कि मी काहीतरी मोठा करू शकणार। उसका कॉन्फिडेंस जीरो है, उसका कॉन्फिडेंस जीरो है। और अगर उसका बदनसीब भी है कि उसका हस्बैंड आड़ा टेढ़ा आइटम है जो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहता है, तो वो रोज सुबह उसकी औरत को सुना, अपना नसीब भी ऐसा है, अपना नसीब भी ऐसा है। उसके बच्चे लोगों को भी वो लगातार बोलेगा, है ना, अपन ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। ऐसा वो अपने बच्चे लोग को एडजस्ट करा देगा, वाइफ को एडजस्ट करा देगा, टीचर भी अपनी छोटी दुनिया में 20,000 30,000 में खुश, छोटी जिंदगी जीने की उन्हें आदत लग गई। क्योंकि छोटा पगार कमा के छोटे घर में रह के गधा हस्बैंड के साथ रह 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 रह के गधे के साथ रहने की और छोटा सोचने की और छोटे जगह पे रहने की आप में से कईयों को अपना हस्बैंड याद आता होगा। सो ये करना है, किसको मिलना है, किसको मिलना है लाइफ में अपने को, और क्या बात करनी है, बस बिंदास होके करने को चालू करो आज शाम से। So my dear friends, अब ये सब के लिए तुम्हें विश्वास जरूर होना पड़ेगा, तुम्हारे को विश्वास रखना पड़ेगा। मेरे को ना वैक्यूम क्लीनर पे इतना विश्वास था कि मेरे को ऐसा लगता था कि आदमी शादी नहीं करे लेकिन वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए, मेरे को भयंकर विश्वास था। मैं जब फायर एक्सटिंग्विशर बेचता था, फायर एक्सटिंग्विशर लाल कलर का सीज फायर, तो मेरे को ऐसा लगता था आदमी उसको लेके ही सोना चाहिए रोज रात, भले बीवी बाजू में नहीं रहे लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने प्रोडक्ट पे और कंपनी पे कन्विक्शन होना चाहिए, कन्विक्शन, कन्विक्शन। तो कंपनी पे भरोसा होना चाहिए, प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए और सर्विस पे भरोसा होना चाहिए। तुम्हें सैमी पे भरोसा होना चाहिए, सैमी के प्रोडक्ट्स पे भरोसा होना चाहिए और सैमी के सर्विस पे भरोसा होना चाहिए। तुम्हारे को कन्विक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप देखिए आपका कंपनी कितना महान है, देखिए 3000 कंपनियां हैं MLM की दुनिया में, 3000 कंपनियां, 3000 कंपनियों का एसेट को मिला दो तो सैमी डायरेक्ट का मालिक के पास अकेला उतना वेल्थ है। सत्रह रिसर्च लेबोरेटरीज है, 17 रिसर्च
यू नो 17 एकड़ के जमीन पे रिसर्च लेबोरेटरीज है, 3 अवार्ड मिल चुके हैं, 3 अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च कैटेगरी के 3 अवार्ड मिल चुके हैं। ऐसा कोई भी MLM कंपनी नहीं है जिसका इस तरह का सॉलिड बैकग्राउंड है। गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया का एग्रीमेंट विद मिस्टर मोहम्मद माजिद के साथ, और इस आदमी को मैं पर्सनली जानता हूं, अगर आप देखेंगे बैंकर फैक्ट्री इनोम इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनोम अगर आप देखेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और फैक्ट्रियां, यू नो बैंगलोर में फैक्ट्री, 3-4 फैक्ट्री उधर, अमेरिका में फैक्ट्री, हैदराबाद में फैक्ट्री, इस तरह का जबरदस्त फैक्ट्री ऑपरेशन सभी जगह पे आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोहम्मद माजिद साहब के बारे में एक किताब में लिखा गया है, उस किताब का नाम है स्टेपिंग आउट ऑफ ब्रेन ड्रेन, जिसमें बहुत ही गहराई से उनकी पर्सनैलिटी और उनके शैली के बारे में लिखा हुआ गया है। और अगर आप देखेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कैंसर तक को ट्रीट कर सकती है, 40,000 करोड़ का एसेट्स है ये कंपनी के पास, 1,000 स्टाफ है अदर देन द MLM पीपल, 150 टॉप क्वालिटी के साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट भी कौन ऐसा रोड साइड आइटम नहीं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस एंड वर्ल्ड के सबसे फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट के फाइनेस्ट साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, द बेस्ट ब्रेन्स। और अपना कंपनी साइमी जो है वो हर्बल लाइफ हुआ या एमवे हुआ, फाइजर हुआ, रैनबैक्सी हुआ, जो दुनिया की बेहतरीन फार्मा कंपनी है, उनको माल सप्लाई करते हैं हम लोग। और अगर आप देखेंगे इस दुनिया में जितनी भी परफ्यूम बनाने वाली कंपनी है, 95% प्रोडक्ट्स हम लोग उनको सप्लाई करते हैं परफ्यूम बनाने के लिए। अगर आप देखेंगे 1988 में शुरू हुआ ये कंपनी, 1975 में मोहम्मद मजीद साहब यहाँ पर ग्रेजुएशन करते हैं, फार्मा में ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टरेट करते हैं, अमेरिका में जाके 3 साल में इन सम ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज में काम करते हैं, फाइजर में एक ही प्रोडक्ट लाइन जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट लाइन में इतने साल से काम करते हुए 25 साल से या 28 साल से एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ ये कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 4 साल से काम करने वाला ये कंपनी, इसके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है वो जोरा जो बोल के हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे डिटॉक्स प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ के लिए, स्किन केयर के लिए जो प्रोडक्ट्स है, 500 इंक कंपनीज, यू नो अमेरिका में अमेरिका इंक बोल के 500 टॉप कंपनीज है, उन 500 टॉप कंपनीज में 77th रैंक में आने वाला ये कंपनी, रैंक्ड इन न्यू जर्सी में इनका जो फैक्ट्री है वहां पर 7th रैंकिंग कंपनी है ये, 50 फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनीज में ये कंपनी माना जाता है, सुपर क्रिटिकल फ्यूल एक्सट्रैक्शन जो आईआईटी बॉम्बे में किया, और जब इसका लॉन्च हुआ मासेलकर साहब वगैरह जो है, जो CISR सेंटर ऑफ इनोम सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो मेन लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेट एंड आर्ट ऑफ यू नो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप जो इसका है। और अगर आप देखेंगे नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड जो कैलिब्रेशन की सब सर्टिफिकेशन करते हैं, उस सब का सर्टिफिकेशन और केमिकल लैब्स का ISO 22000 यू नो सर्टिफिकेट है इसके पास। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे 98 पेटेंट्स, यू नो रॉ मटेरियल पेटेंट किए हुए, 98 रॉ मटेरियल पेटेंट किए हुए, 150 पेटेंट पाइपलाइन में अभी है पेटेंट करने के लिए, और ये पेटेंट कवरेज अगर आप देखेंगे ये पेटेंट कवरेज इंडिया में, अमेरिका में, स्वीडन में, यूरोपियन कंपनीज, जितने भी जगह पे पेटेंट मिलना मुश्किल है, यूरोपियन कंट्रीज में पेटेंट मिलना आसान नहीं है,
तो स्विट्जरलैंड हुआ, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, डेनमार्क हुआ, ग्रीस हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, जर्मनी हुआ, इस तरह पोर्चुगल हुआ, ये सभी कंट्रीज में जो तुम्हारा एक जो नाम है पेटेंटेड रजिस्टर्ड है, इन पैन, इन ऑस्ट्रेलिया, इन न्यूजीलैंड, ये सब बहुत भयंकर डिफिकल्ट कंट्रीज है। अगर आपको पेटेंट चाहिए तो अपना जो प्रमोटर है, जो साइंटिस्ट है डॉक्टर मोहम्मद मजीद, वो खुद एक साइंटिस्ट है, वर्ल्ड के नंबर वन आयुर्वेदा एम्बेसडर इंडिया से माने जाते हैं, 2 लाख आदमी लोग नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, फॉरेन टूर्स देते हैं विथ योर फैमिली। अभी मेरे को गनोरिया धनोरिया साहब बोल रहे थे कि यू नो 3 महीना पहले भी स्विट्जरलैंड में, और इस तरह से यू नो पूरा 90 फैमिलीज के साथ हांगकांग में और स्विट्जरलैंड में यू नो इस तरह का तुम्हारे को टूर, लीडरशिप बोनस, लीडर्स 4 से 5 लाख रुपया कमा सकते हैं, लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स है, बाइनरी प्लान है, 1 करोड़ तक का रिवॉर्ड्स है उसके अंदर, बाइनरी रिवॉर्ड्स, बाइनरी फॉरेन टूर्स है, वीकली प्लान है, टीम बोनस है, रिवॉर्ड्स है, घड़ी है, घोड़ा है, गाड़ी है, यू नो स्पार्क ऑल्टो गाड़ी है, एजुकेशन फंड है, सलोन कार से 5 लाख, 12 लाख, यू नो 20 लाख का गाड़ी, हाउसिंग फंड 50 लाख का, मंथली रीपर्चेस प्लान, रिटेल बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, बिजनेस डेवलपमेंट फंड, ईयर एंड फंड, इंटरनेशनल हॉलीडेज, कार फंड, हाउस फंड, रॉयल्टी, परफॉर्मेंस बोनस, जनरेशन प्लान्स, ऑपरेशंस इन मलेशिया, तुम पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, नो लिमिट ऑन अर्निंग, ओवरहेड्स तुम्हारा कोई है नहीं, यू हैव ये बिजनेस तुम इनहेरिट कर सकते हो, ना ही तुम्हारे को कल सुबह उठ के कोई इतना टारगेट ही करना है, लाइफ लॉन्ग इनकम है, यू नो क्या नहीं है। एजुकेशन सेमिनार से, जैसे आज ये एजुकेशन सेमिनार तुम्हारे सामने हो रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तुम डायरेक्टर बनो, उसके बाद ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उसके बाद सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर बनो, रूबी, एमरल्ड, डायमंड, चेयरमैन, न जाने क्या क्या, इस तरह से तुम ये सब बन सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, और अगर तुम मालामाल नहीं हो सके हो तो इंडिया का सबसे बड़े गधे हो तुम। मतलब अगर इसके अंदर तुम गेम नहीं खेल सकते हो तो आज शाम, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। अब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें ये सब काम करनी है। और गुड बात यह है कि तुम सेल्स के लाइन में जुड़े हुए हो। सेल्स की लाइन में खास बात क्या है? सेल्स की खास बात यह है कि वाई सेल्स एज ए करियर, इसको एक करियर करके आप ले लेना कि आप सेल्स में जुड़े हैं, और इसको एक करियर करके लेना। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्स ही है एक करियर, और MLM ही है एक करियर जिसमें आप अपना चेक खुद लिख सकते हो। यानी मेरे को ये महीने में अगर 5 लाख चाहिए तो आप 5 लाख का चेक लिख सकते हो। सो जितना आपको चाहिए सेल्स में आपको वो मिलेगा। फास्ट ग्रोथ मिलता है, हाई ग्रोथ मिलता है, आपका एटीट्यूड काफी चेंज होता है। अगर आप एक अकाउंटेंट या टीचर रहेंगे तो आपको रोज नया सिचुएशन नहीं मिलता। टीचर की लाइफ सेम रहती है, वही 20-50 बच्चे, और सुबह से शाम वही बोलते हैं शिवाजी वॉज अ किंग, और 20 साल से वही बोल रही है शिवाजी वॉज किंग। बच्चे बैठे रहते हैं, कोई डिस्प्यूट करता नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, एवरी डे शिवाजी इज किंग। सो वो टीचर या अकाउंटेंट, उसके लाइफ में, अकाउंटेंट के लाइफ में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हम जैसे सेल्स के बंदे हर दिन नया सिचुएशन फेस करते हैं, एंड देयरफॉर हमारा एटीट्यूड भयंकर डेवलपमेंट होता है। हमारे को नई नई वैल्यू एडिशन करने पड़ती है, अपने को जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, अलग अलग आदमी से मिलना पड़ता है, अलग अलग लोगों को पटाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, उनके मन को बदलना पड़ता है। इनडिसिप्लिन्ड आदमी को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, नालायक को लायक बनाना पड़ेगा, छोटा सोच वाले को बड़ा सोच की तरफ अपने को लेके जाना पड़ेगा। जिसे लीडरशिप नहीं आती हमें लीडरशिप सिखाना पड़ेगा, जिसे सेल्स नहीं आती हम उसको सेल्स सिखाते हैं, जिसे मीटिंग लेने नहीं आता उसे मीटिंग पढ़ाते हैं, जिसे प्रेजेंटेशन लेने नहीं आता उसे हम प्रेजेंटेशन कैसा देने का ये सिखाते हैं, जो चैलेंज नहीं ले रहा उसे चैलेंज लेने की कलाकारी सिखाते हैं, जो वन रूम किचन में पिछले 20 साल से रहता है उसे 4 रूम के तरफ हम लेके जाते हैं, जिसने जिंदगी नहीं सोचा कि टोयोटा
प्राडा या टोयोटा फॉर्च्यूनर लेगा, उसे हम वो लेके देते हैं, और वो चीजें जो वो विश्वास नहीं कर सकता, वो ये सोच नहीं सकता, हम उसके लाइफ को बदलता है। ये सेल्स की ताकत है, ये प्रोफेशन का ताकत है, और ये एकमात्र प्रोफेशन है जो तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकता है। एक अकाउंटेंट चाहे 40,000 रुपए में भी एक टोयोटा प्राडा नहीं ले सकता या टोयोटा फॉर्च्यूनर नहीं ले सकता। एक टीचर मरने के पहले भी स्क्वाडा नहीं ले सकती। लेकिन जैसी वो हमारे लाइन में आती है, उसके जितने सपने थे जिसको उसने मार दिए हैं पिछले 20 साल में, उस टीचर ने या उस ऑटो वाले ने या उस अकाउंटेंट ने या वो जो आदमी जो नौकरी कर रहा है गवर्नमेंट में या किधर भी काम कर रहा है, बीएमसी में जिधर भी वो काम कर रहा है, उसने अपने सपनों को जो मार दिया, उसके बच्चों ने अपने सपनों को मार दिया, उसके बीवी बच्चों ने ये सोच लिया कि आता का ही मोटा होनार नहीं हमसे जीवनात, वहां पर ये सेल्स काम में आता है और ट्रिमेंडस पर्सनल पावर आपको ये प्रोफेशन देता है। लेकिन ये लाइन की खाली एक ही तकलीफ है, इसे बहुत सेक्रीफाइस है, इसमें बहुत सेक्रीफाइस है। इसमें टीचर का चॉइस है कि सिंपल 7:30 बजे घर से निकलो, 12:30 तक काम करो, 1:30 बजे घर आओ, उसमें सेक्रीफाइस नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन वो सेक्रीफाइस से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। कितना भी वो टीचर डबल मेहनत कर ले, समझो पेपर जल्दी करेक्ट कर ले, बढ़िया पढ़ावे, उसका 30,000 ही रहेगा। वो मेहनत करे तो 30,000, ना करे तो 30,000, बच्चे को टोपी लगावे तो 30,000, शिवाजी बिजनेसमैन था बोलेगा तो भी 30,000, शिवाजी किंग है बोलेगा तो भी 30,000 मिलेगा, वो नहीं पढ़ा के क्लास में पैर ऊपर करके बैठेगी तो भी 30,000 ही मिलेगा, वो चाह के भी 3,00,000 नहीं कर पाएगी। और तुम लोग उस टीचर के लाइफ बदलने का ठेका लिया है, और वो टीचर तुमसे मिलना नहीं चाहेगी, वो तुमसे बात करना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो घबराती है कि उसे वो करना पड़ेगा जो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो टीचर ये जानती नहीं है कि जब तक वो नहीं करेगी जो उसे अच्छा नहीं लगता, तब तक उसे वो नहीं मिलेगा जो उसे चाहिए। ये बात वो टीचर को समझ में नहीं आती। टीचर खाली एक एग्जाम्पल है, हमारे को टीचर लोग के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन बेचारे लोग के लाइफ इंप्रूव नहीं होता, इसीलिए हमारे जैसे कंपनियों की जरूरत है। इसमें बहुत लाइन में दर्द है, हमारे लाइन में बहुत सारा दर्द है। इट इज ओनली पेन एंड इनकन्वीनियंस, और कोई बहाने तुम्हें नहीं देने हैं ये लाइन में। ये लाइन की प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहाने नहीं दे सकते, और जैसे ही MLM में आपने बहाने दिए तो MLM की जो ताकत है वो आप तक नहीं पहुंचेगी। सेल्स का जो ताकत है ना, सिर्फ उन लोगों को ही पहुंचता है जो सेल्स में अपने आप को सरेंडर करते हैं, जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, जानकारी देते हैं, उनका ये फ्यूचर होता है। स्ट्रेच करना पड़ेगा अपने आप को। वो अकाउंटेंट के लाइफ में उसको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, उसको एकदम प्रेडिक्टेबल काम है। अकाउंटेंट के लाइफ में एकदम प्रेडिक्टेबल काम है, मतलब सुबह उसको मालूम है क्या करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड प्रॉफिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसको मालूम है कि अकाउंट में ये इधर डालना, ये इधर डालना। उसका लाइफ पिछले 20 साल से बदलता नहीं है। उसको मालूम है बैंक रिकन्सिलेशन में 1-2-3 करना, और वो 1-2-3 करता है, काही होत नाही त्याच्या लाइफ मध्ये। तो तिकडेच राहतो त्याचा मन, तिकडेच राहतो त्याचा विश्वास, तिकडेच राहतो। एंड जैसे जैसे उम्र ढलता है वैसे वैसे उसको लगता है कि अगले जन्म में अभी कार्यक्रम करेगा कुछ ना कुछ बड़ा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अपने जैसे कंपनियां, सेमी डायरेक्ट जैसे कंपनियां उसे उस लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तुम्हें लेकिन बहुत काम करना पड़ेगा, तुम्हारे को जो पेमेंट मिलता उससे ज्यादा तुम्हें काम करना पड़ेगा। नाउ इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जितना कमाते हो उसमें 20% अपने इंप्रूवमेंट के लिए लगाओ। 100 रुपया कमाते हो तो 20 रुपया इसके ऊपर खर्चा करो, क्योंकि इसके ऊपर खर्चा करोगे तो ये रिटर्न देगा 500, फिर 500 में से 20% यानी 100 रुपया इस पर खर्चा करोगे तो ये देगा 5,000, फिर 1,000 रुपया इस पर खर्चा करो बाहर और अंदर तो ये
50,000 देगा। फिर 10,000 इस पे खर्चा करो अंदर और बाहर, फिर ये 2,00,000 देगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, इस पे कुछ डालते नहीं है और रोज सुबह इससे लेने के लिए रेडी रहते कि ये देत का ही नहीं, अभी कैसे देगा ये। अब वो टीचर जो अंदर माल है टीचर का, वो तो 20,000 ही मिलेगा ना। अब फिर अपने को उसको सब सिखाना पड़ेगा, फिर वो जो नया माल डालेगी टीचर तो फिर 2,00,000 होएगा। अब टीचर बोलती है मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी मेरे ऊपर, तो जो आदमी अभी गरीबों का प्रॉब्लम क्या है, वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते खुद पे। अमीरों का उल्टा है, वो बहुत इन्वेस्टमेंट करते अपने ऊपर, क्योंकि अमीरों को इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आया है कि मैं इस पे अगर मेरे को नायर को समझ में आया 1,00,000 रुपये इस पे खर्चा करेगा ना तो 1,00,000 रुपया देगा। 1,00,000 रुपये का आइडिया इधर आएगा अगर 1,00,000 रुपये का ट्रेनिंग अपन करेंगे तो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।